गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार आज सैटरडे है, तो आज सैटरडे संडे हमारे कॉलेज की छुट्टी रहती है। तो सैटरडे संडे को वैसे बहुत काम लगे रहते हैं, कभी कपड़े धोना होता है तो कभी कमरे को थोड़ा सा सही करना होता है, तो बहुत सारे काम लगे रहते हैं सैटरडे संडे को। तो अब की बार तो वैसे भी मैं कपड़े तो घर से धुलवा के लिए आया था, लेकिन अब की बार एग्ज़ाम है तो मुझे अभी एग्ज़ाम का पढ़ना है। अभी सबसे पहले तो सुबह उठ के पहले व्लॉग को एडिट मैंने रात कर लिया था, व्लॉग को अपलोड करना है। और आज का मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप भी निकल रही है, आप एक बार देखो धूप निकल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है भाई इस टाइम। तो एक बार आप लोग ये बताना कि व्लॉग की क्लियरिटी क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, सही है? तो एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा ये सैमसंग A51 है, सही है? तो मैं ट्राई यही कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आएँ। तो थोड़ा सा मैं अपना रूम ठीक सही कर रहा था, तो करते हैं, सही है? और यार मम्मी ने ना मुझे ये दिया था, अभी खाने का दिया था, मठरी और ये सारी चीज़ें। ये जब से मैं आया हूँ तब से ऐसी सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिल पाया कि दो क्लासेस थी, दो क्लासेस मैंने लगाई, फिर वो पूरा दिन निकल जाता है क्लासेस में ही। अब छोटे दिन हो गए, ठंड का दिन हो गया, तो मैं कर ही नहीं पाया कोई काम। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी पड़ी है, तो मैं आज या कल में सही करूँगा और देखता हूँ मैं क्या सीन है क्या नहीं। ये सारे काम है ना, ये सुबह उठते ही भाई कर लो तो कर लो, वरना फिर आलस आता है इन सब कामों में। इसलिए मैं तो सुबह उठते ही सारे, ये चादर को ठीक करना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कर लेता हूँ। कभी कभी रात के थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो भी सुबह धो लेता हूँ, या रात को धो लेता हूँ अपने। तो सबसे बढ़िया है भाई सुबह उठते ही अपनी चादर ठीक कर लो तो सही रहता है, वरना आता है आलस, सही है? झाड़ू भी लगाना है मुझे, झाड़ू लगा लूँ? झाड़ू मैं भी लगाऊंगा, पहले मैं व्लॉग एडिट करूँगा इस टाइम, सही है? व्लॉग एडिट करता हूँ और ये छोटे मोटे चीज़ें हैं। भाई ये 25 रुपये का गाय का दूध है, अब पहले इसको खौलाएंगे दूध को, फिर बनाएंगे चाय। ये दो बार चल जाता है दूध, इसलिए मैं एक ही बार में ले आता हूँ, अब पैसे भी ठंड का दिन है तो खौला के अपने दो बार रख लो, एक गिलास दूध पीने के लिए, या दो बार चाय पी लेता हूँ मैं शाम को और एक सुबह, सबसे बढ़िया है भाई। अब ये 10 मिनट में खोलेगा, फिर देखते हैं। आज मेरा एग्ज़ाम भी है यार, 10 बजे से मेरा आज एग्ज़ाम है। तो यार मेरे मन में एक बात आई है
कि जो बंदे जो बच्चे बाहर रहते हैं और खासकर अपना कॉलेज आउट ऑफ टाउन चूज करते हैं अपने, तो भाई ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस जो बंदे अपने घर पे रह के अपने टाउन में पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सही है, ये चाय बनाना, ये मठरी का इसमें डिब्बे में, ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में मम्मी कर लेती है, हमें पता नहीं लगता। जब मैं अपने घर में था तो मुझे आज तक पता नहीं लगा, मतलब 20 साल में पता नहीं लगा कि भाई ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। और मतलब इंपॉर्टेंट क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैंने बाहर आने का सोचा और ये छोटे छोटे डिसीजन ही इंसान को यार मोटिवेट करते हैं। तो यही है कि जब आप कोई लाइफ चूज़ करते हो या बाहर की कहीं की भी कोई भी स्टेप अपने लाइफ में चूज़ करते हो, तो सारी उस फिर उसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारी फेस करनी पड़ती हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि मैं अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट बनना हूँ। सही है, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि मुझे अपने घर वालों से दूर रह के भी सारे काम आ जाना चाहिए, जैसे खाना बनाना हो गया, चाय बनाना हो गया, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ देखना। तो बस यही है कि यार जब आप ये सारी चीज़ें चूज़ करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं, घर छोड़ना पड़ता है आपको, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको लगता है कि बाहर मिलके बहुत अच्छा, मतलब पार्टी होती है, जो बंदे बाहर रहते हैं पार्टी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बंदे बाहर रहते हैं मेरे सर्कल में, तो ऐसा है कि भाई वो कॉलेज से आते हैं या जो भी बंदे जॉब से आते हैं, जॉब से आते हैं, मैंने जॉब वाले बंदे को भी देखा है क्योंकि वो मेरे रूममेट रह चुके हैं, वो जॉब से आते हैं, वो लोग इतना थक जाते हैं कि फिर रात का खाना खा के फिर सो जाते हैं और फिर सुबह जॉब चले जाते हैं। और कॉलेज वालों के साथ भी यही होता है कि 9 9 साढ़े 9 8 बजे से वो लोग तैयार होते हैं सुबह, और शाम को 5 6 बजे तक कॉलेज से आते हैं, फिर थोड़ा बहुत घर पे पढ़ते हैं, या वो पढ़े नहीं पढ़े बात की बात है, फिर उसके बाद खाना पीना खा के थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ देख के एंटरटेनमेंट, और उसके बाद वो लोग भी सो जाते हैं। तो ऐसा कोई पार्टी वाला सीन नहीं रहता है, बस वीकेंड पे मज़ा आता है, जो सैटरडे संडे जिसका भी होता है, वरना तो सबकी ऐसी नॉर्मल बोरिंग लाइफ है। और यही है, मतलब आपकी छोटी छोटी चीज़ें, एक चीज़ और, जो भी चीज़ हमें मिली है उसमें आप लोग खुश रहो, क्योंकि ये फेस भी हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि बाहर रहना और ये चीज़ें पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब लगता है कि हमारे पेरेंट्स कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके बच्चों को बाहर भेजते हैं, तो कभी भी भाई नेगेटिव अपनी फीलिंग मत लाना, क्योंकि पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं बाहर बच्चों के लिए। तो भाई अपना यह है कि आप लोग जो भी जिस भी फेज़ में हो उस फेज़ में आप लोग खुश रहो और अपने इन्जॉय करो, और अगर अच्छा है तो सही है, बुरा है तो वो भी निकल जाएगा। ये जो भी सिचुएशन है वो आगे बढ़नी है टाइम के साथ, सही है ना, तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, तो खुश रहो यार कुल मिला के। सही है, उसकी तरह आज भी धूप खाने आ गए भाई, ठंडे पानी के बाद नहाने के बाद भाई 2 3 मिनट, अगर 10 15 मिनट धूप में रह लो तो ठीक रहता है, और जैसे जैसे अब ठंड बढ़ेंगी तो धूप में भाई आने का मज़ा ही कुछ और होगा, क्योंकि धूप लगती है तो थोड़ा सा बाल भी सूख जाते हैं। अब मैं कोई ड्रायर व्रायर तो मैं करता नहीं, तो धूप में सही रहता है कि थोड़ा सा धूप भी खा लो, और जितनी भी आपकी खांसी जुकाम होता है थोड़ा बहुत भी, वो भी ठीक हो जाता है। कुल मिला के भाई यही सीन है कि नहाने के ठंडे पानी से अगर आप लोग नहा रहे हो तो 10 मिनट धूप में ज़रूर खड़े हो, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, बढ़िया मौसम है भाई। ये आ गया आपका पेड़, और ये आपका, सही है भाई, शांति, ये एरिया में शांति रहती है बहुत ज़्यादा, ये सही है, यहाँ पर लोग थोड़ा शांति शांति बनाए रखते हैं, एक अच्छी बात है ज़्यादा, क्योंकि सारे बड़े बड़े बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं लेकिन ज़्यादा शोर नहीं मचाते, वो घरों से ही आती है आवाज़। सामने ये देख रहे हो आप, सामने वो स्कूल है हमारे सामने, बहुत अच्छा स्कूल है ये, हिंडरसन जुबली स्कूल, और कुल मिला के बढ़िया है भाई अपने। तो अभी मैं यार खाना खाने जाऊँगा, सुबह से मैंने भी आज चाय के बाद, आज मेरा एम कैट का एग्ज़ाम था ना, तो एम कैट के एग्ज़ाम के बाद सुबह मैंने चाय पी, फिर एग्ज़ाम 10 से 2 एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम दिया, उसके बाद अब खाना खाने जाऊँगा, 1:30 बज रहे हैं, तो यही है, बाहर खाना खाने जाऊँगा अब मैं। यार अभी एक मिस्टेक हो गई, जो मैं सुबह दूध लाया था तो उसमें से एक गिलास दूध मैंने रख लिया था,
तो मैं झाड़ू लगा रहा था जब, तो यहाँ पर मैंने रख रखा था यहाँ पर, तो मैं झाड़ू लगाते लगाते मेरा उस पर पैर पड़ गया। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार पैर मेरा पड़ गया, दूध गिर गया भाई। तो दूध गिर गया तो झाड़ू लगाते लगाते फिर मुझे पोछा भी लगाना पड़ा, और पूरा रूम तो वैसे मैं साफ़ ही रखता हूँ ज़्यादातर, ऑलमोस्ट रोज़ ही झाड़ू लगाता हूँ, लेकिन फिर पोछा भी लगाना पड़ा। मैंने कहा चलो ये तो और अच्छी बात हो गई, हाथ के हाथ फिर पोछा भी लग गया। तो कमरा भाई फिर ये है कि एक काम करो तो भाई दूसरा काम भी हो गया, इस बहाने एक आध काम और कर लिया, तो देखो भाई क्या से क्या हो जाता है। नुकसान तो होगा लेकिन अब क्या करा जाए, गलती तो अब तो यार ये वाली जो मार्केट है ना, ये खरड़ की बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ पर ज़्यादातर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी, और जो शहर के लोग हैं वो भी यहीं से ही लेते हैं। तो अच्छी एक जगह है, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर ज्वेलरी की, मतलब ऑलमोस्ट सारी या सारी चीज़ें हैं, तो मज़ा आता है यहाँ पर जाके यार। खाने में कुछ अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आंटी ने आज कढ़ी बनाई है तो कढ़ी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कड़ आंटी की कढ़ी की क्वालिटी अच्छी है, बस ये चीज़ अच्छी लगती है, वरना बहुत लोग तो यहाँ पर पानी भी देते हैं। पहले मैं जहाँ पर खाता था ना, तो वहाँ पर पानी मिलती थी, चावल और आपका कढ़ी और दो रोटी। तो पहले मैं जहाँ पर खाता था ना, तो वहाँ पर तो सिर्फ मतलब पकौड़े ही तो छोड़ो, वहाँ सिर्फ पानी पानी होता था और कुछ नहीं। तो खाना खाते हैं यार। तो यार आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे व्लॉग्स देखिए। मैंने दिवाली पे, धनतेरस पे, छोटी दिवाली पे अपनी फैमिली के साथ व्लॉग्स बनाए हैं, तो आप लोग और भी ज़्यादा जाके मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं और भी व्लॉग्स देख सकते हैं अच्छे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और शेयर करिए यार व्लॉग को। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन यार कोई भी लोग सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज़ अगर कोई भी ये व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।